Але ка шише багарде! Сихуна! सीम भाई यार बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी व्यू है। और जिस तरह की हमारे एक यूट्यूबर खुशदिल भाई ने आपको बताया था कि यहाँ पर आओ, तो उसी वीडियो के राउंड तो बस आधा ठीक है और थोड़ा बहुत खराब है ना बाइकों के लिए, तो वापसी में थोड़ा मसला है, आने देखने सुनी। उसाम भाई आप क्या कहेंगे रोड के बारे में, इलाके के बारे में भी बताए, रोड के बारे में बताए। बहुत खूबसूरत है, रोड का सबसे खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड व्लॉग। तो आज है ईद का तीसरा दिन, हम जा रहे हैं अपने इलाके में कहीं घूमने के लिए। इस मरतबा प्लान कुछ इस तरह था कि बजाय इसकी कि हम किसी और के इलाके में जाके उसको एक्सप्लोर करें, तो प्लान ये बना इस मरतबा कि हम अपने इलाके में अपनी जगह में जाके किसी अच्छी सी जगह को एक्सप्लेन करें। तो आज हम जा रहे हैं ग्राना काड़ा वाटरफॉल, जो कि हमने हर्षदिल भाई की वीडियो देखी थी। तो चलिए चलते हैं वो जगह, देखते हैं कि अगर वो नेचुरली इस तरह खूबसूरत है या फिल्टर ब्यूटी है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। रोड थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन जितनी मुश्किलात है उसके बाद आसानियाँ भी तो हैं। तो रोड में आपको तकलीफ़ आएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। और यहाँ पर नेचुरल स्विमिंग पूल है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये देख सकते हैं आप, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल स्विमिंग पूल। और ये जो स्विमिंग पूल है, इसमें किसी किस्म की भी गंदगी नहीं है। आप तो स्विमिंग पूल जाते हैं, हज़ारों लोग वहाँ पर नहाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है। वो सामने जा रहे हैं मेरे दोस्त, ये हैं रहमान भाई, और इससे आगे रुशाद जा रहे हैं, और ये जो आगे खड़े हैं वो मेरे बाकी दोस्त हैं, वसीम, उसामा, दीदार भाई और कादिर भाई। और ये है आपका भाई, इस वक्त अकेले जा रहा है बाकी को आगे बेच कर, और मैं अकेले और पैदल अपने साथी के साथ जा रहा हूँ। यकीन करें बहुत सुकून वाली जगह है और बहुत रिलैक्सेबल जगह है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर न लोग आते हैं, तो हमने कोशिश की कि चले इस मरतबा इस ईद पर अपने इलाके को क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। तो हमने फिर इस जानिब रुख किया, तो इंशाल्लाह आपको और भी ब्यूटी दिखाएंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। ये मैं पहुंच गया हूँ दोस्त के पास, ये है वसीम भाई, ये है उसामा भाई, ये है रहमान भाई, ये है कादिर भाई, ये है रुशाद, और वो है दीदार।
तो बताइए कैसा लगा आपको वसीम भाई? यार बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी व्यू है और जिस तरह की हमारे एक यूट्यूबर फजल भाई ने आपको बताया था कि यहाँ पर आओ तो रहमान भाई रोड के बारे में आप कुछ बताएं। रोड तो बस आधा ठीक है और थोड़ा बहुत खराब है ना, बाइकों के लिए तो वापसी में थोड़ा मसला है, आने देखने सुनी। उसामा भाई आप क्या कहेंगे रोड के बारे में, इलाके के बारे में भी बताएं, रोड के बारे में बताएं। बहुत खूबसूरत है, रोड का सबसे खूबसूरत जहाँ तक था बाइकों का रास्ता, जहाँ तक गाड़ी का रास्ता था वहाँ तक तो हम आ गए, यहाँ से आगे है पैदल जाने का। और यहाँ पर कोई मसला नहीं होता कि गाड़ी कोई चोरी कर देंगे या कोई गांव ख़राब कर देंगे, आप यहाँ पर अपनी गाड़ी या बाइक्स वगैरह खड़ी करके आप यहाँ से जा सकते हैं पैदल भी, कोई मसला और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच गए, ये सारे बैठे हुए ये देख सकते हैं। शुरू हो गया हमारा पकाई का सामान, पकाई टकाओ शुरू हो गया, ये देख सकते हैं कटिंग हो रही है और ये भाई दोनों देख रहे हैं। और ये हमारा सारा सामान पड़ा हुआ है, ये फ्रूट है, दही, कोयला। और एक बात जो आपको बतानी थी वो ये थी कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप अपने साथ सामान पूरा ले आए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर दे नीचे तो यहाँ से कोई भी कोई चीज़ नहीं लेके जा सकता, हमसे कुछ सामान रह गया नीचे, जाते हैं चेक करते हैं कि किसी ने उठाया या नहीं, तो ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। मेरी बात जो मैंने बात बताई थी आपको वो प्रैक्टिकल हो जाएगी कि यहाँ से कोई चीज़ उठाते कि नहीं। हम दोबारा रोड को पहुँचाएँ तो चेक करते कि हमारा सामान किसी ने उठाया कि नहीं। मैंने यहाँ पर अपना सामान रखा था, मैंने बोला चलो मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ सामान रखने के लिए, तो ये देख सकते हैं सामान जिस तरह रोड के साइड पर पड़ा है किसी ने भी नहीं उठाया। यहाँ पर कुदरती चश्मा, पहाड़ों से पानी निकलता है, कैसे निकलता है उसका तो हमें पता नहीं है। उसमें भाई पानी ठंडा है बहुत, हम तो बिल्कुल फ्रेश हो गए। ये ब्रह्मान है और वो आगे ओसामा जा रहे हैं, हम नहाने आए थे। अगर आप कैमरे में नजर आए धुआं तो ये धुआं देख, इधर है हमारे दो वो ऊपर, ये अभी हमने यहाँ पर दोबारा चढ़ना है। अले का शीशे पकार दे, मैं कुना सीखुना कहते बात इसलिए धन खा की सही है बोझ दू बोझ दू, ये कम्युनिकेशन का तरीका है। ओए वसीम भाई बना रहे बारबेक्यू हमारे लिए, अरे हाय वसीम भाई अभी तो पकी भी नहीं है और मजा भी बहुत आ रहा है यार, लेकिन आग नहीं लग रहा है क्या हो जाए, आग लगा दो। हमने पुदीना भी डाला है, पुदीना नेचुरल पुदीना, ओ बहुत अच्छा होगा। ये तो बारबेक्यू है लेकिन ये देखें बिल्कुल नेचुरली, कादर कादर भाई हमारे लिए बना रहे
कोयला कढ़ाई, कोयला कढ़ाई। या मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर ये जो आप चेक कर सकती है जो पीछे बोरी लगी हुई है, ये हवा को रोकने के लिए। वाह क्या इंजीनियरिंग है यार, क्या वाह वाह वाह। ये अब्दुलरहमान की फरमाइश है कि हम सबको मोबाइल में ले आओ। उसामा भाई पता नहीं हमोश है यार। ये वसीम रुशाद और ये दीदार, दीदार को तो गर्मी लगी थी। तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। वसीम भाई ने बारबेक्यू बनाई थी, बहुत कमाल की, बहुत। ये बारबेक्यू आप चेक कर सकते हैं, ये है बारबेक्यू, बड़ी कमाल की थी। यकीन करें कि कोई जो है ना इसका सन ही नहीं था कोई भी। और ये मैं आपको स्पेशल चीज बताने जा रहा हूँ जो मैंने खुद बनाई थी, ये है चटनी। ओए होए होए होए, लेवल की थी।